ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमें सेम एग्जैक्टली जो है तो कल ही की तरह का लेआउट बनाना है अपने लिए, 1080 वेट और 1080 हाइट के साथ। और जो हमने कल सेलेक्ट किया था कलर मोड हमारा आरजीबी और रास्टर इफेक्ट हम मीडियम रखते हैं, क्योंकि इसको हाई रखने से हमारा मोस्टली कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो इसलिए हम इसको मीडियम रखते हैं। ठीक है, ओके। आज हम बनाना सीखेंगे कुछ वेक्टर्स हम बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो ये ऑप्शन है पेन टूल का, पेन टूल इज द मोस्ट नेसेसरी एंड मोस्ट यूजफुल टूल इन द एडोब इलस्ट्रेटर। इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए, लाइक इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट एक टिप बता देती हूँ कि हम इसको प्रेस करके छोड़ देते हैं, सेकेंड टाइम जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हम इसको पकड़े रखते हैं और फिर हम उसको मूव करके अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस लुक। अच्छा, अब हमारे पास जब इस तरह का फॉर्म आ जाता है तो हम इसको और से ख़त्म, और प्रेस करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने और प्रेस करके रखा हुआ है, हम दोबारा बना रहे हैं इसको यहाँ पे। अब हमने इसको डबल करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, हम और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए वो ये होती है कि हम जब भी पेन टूल, बल्कि कोई भी टूल हम यूज कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, हम उसके फिल को एम्प्टी रखते हैं, नहीं तो फिर हमारे ड्राइंग, हमारे डिजाइन उस तरह नहीं बनता। ठीक है, और स्ट्रोक में हम मोस्टली ब्लैक कलर रखते हैं। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर दोबारा से डिजाइन बनाना है तो हम उसी तरह कर लेते हैं इसको। अब हम इसमें कोई सा भी कलर कलर फिल कर सकते हैं। ब्लैक कलर, ठीक है, ये हमारे पास लाइक किसी भी तरह का हम इसमें शेप बना सकते हैं, हम इसमें डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। लाइक मैं आपको एक और शेप बना के दिखा देती हूँ, जस्ट मैं आपको ये प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हमारे मेन जितने भी डिजाइनिंग होती है मोस्टली हमारी इसी पे होती है। ओके, ओके, अच्छा, अब हमने जो है तो प्रॉपर एक डिजाइन बनाना है, हम इसको भी यूज करते हैं बट नॉट नाउ। हमने सबसे पहले एक वेक्टर या फिर मैं एक पैटर्न बनाना आप लोगों को सिखा देती हूँ। हम इसको हेडिंग दे देते हैं पैटर्न या वेक्टर की, वेक्टर डिजाइनिंग हम नाम देते हैं इसको, वेक्टर डिजाइनिंग। ओके, थोड़ा सा हम इसको मजीद मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें जो है तो अपनी जो राइटिंग थी वो हमें ऊपर की साइड पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे एंड दैट्स इट। इसका कलर हम चेंज करके कोई और कलर रख लेते हैं, लाइक दिस इज गुड। ओके, इंटरनल कलर हम इसका वाइट कर देते हैं। इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं तो इसका सबसे जो आसान तरीका होता है हमारे पास बोल्ड करने के लिए वो ये है कि आप इसके स्ट्रोक में कलर कर दें। जो हमारा इसका अपना कलर होता है वही आप इसको स्ट्रोक में भी कर देंगे तो हमारा जो ऑटोमेटिकली हमारे वर्ड्स होंगे वो बोल्ड शो हो जाएंगे। ओके, दैट्स इट। अच्छा, अब हम डिजाइन बना लेते हैं, कोई सा भी हम डिजाइन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पेन टूल को ही आज यूज कर देते हैं, हमारा सारा काम हम पेन टूल पे रख लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, लाइन ड्रॉ हो जाए तो जो थर्ड लाइन खत्म करने के लिए हम एंटर का बटन यूज करते हैं, हम एंटर क्लिक कर देते हैं तो हमारी लाइन इधर ही स्टॉप हो जाती है। ओके, अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम थोड़ा सा इसका स्ट्रोक इंक्रीज कर देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम स्ट्रोक से इसकी आउटलाइन को इतनी इंक्रीज कर सकते हैं।
हमारा अब ठीक है ओके अच्छा स्ट्रोक में ही जब हम मजीद इसको मॉडिफाई करते हैं, हमने स्ट्रोक पे क्लिक कर देने, अब हमें डिफरेंट जो है तो फॉर्म्स आ गए स्ट्रोक के। अगर हम इसको इसके कैप्स को इसके दोनों हेड्स को अगर हमने डिफरेंट शेप देना है ठीक है तो वो भी हम इसको दे सकते हैं ठीक है। अगर हम इसके इसके कॉर्नर्स को हमने जो है तो एडिट करना है तो वो भी हम यहाँ पे से कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से देखे इसके हम एरो हेड्स भी डिफरेंट चेंज कर सकते हैं लाइक दिस ठीक है, लेकिन हमें फिलहाल इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हम इसको नन रख लेते हैं। यहाँ से हम प्रोफाइल में से हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रख लेते हैं इस शेप को ठीक है। अब हमने ये शेप रख ली, कल का ही हम काम करेंगे कि हमने जो है तो ट्रांसफॉर्म में जाना है, ट्रांसफॉर्म में हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट हम 9 एंगल से कर लेते हैं, जिस एंगल से आपका दिल करे आप उससे कर ले, या फिर चले हम 7 एंगल से कर लेते हैं, प्रीव्यू में देख लें कि आपका कितना चेंज हो रहा है ठीक है। अब हमने इसकी हमें इसकी कॉपी चाहिए एग्जैक्ट जो हमने कल किया था, हमने इसकी कॉपी ले ली। अब हमें इसी स्टेप को रिपीट करना है तो रिपीट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी को क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही स्टेप रिपीट हो जाता है ठीक है। अच्छा ये बन गया हमारे पास एक लाइक हम एक पैटर्न इसको बोल सकते हैं। क्या करते हैं हम इसको वही हम एक को छोड़ के एक को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस किया है मैंने और एक को छोड़ के मैं एक को सेलेक्ट कर रही हूँ। ऐसा करते हैं हम इसको थोड़ा सा अच्छा चले ठीक है या हम इसकी रोटेशन थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि हमारे पास परफेक्ट सर्कल बन जाए। रोटेट हम इसको 8-10 कर देते हैं ठीक है ओके। नाउ हम ओके अब एक को छोड़ के हमें एक को सिलेक्ट करना है ओके। अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसके फिल पे हमने डबल क्लिक कर देना है कलर चेंज करने के लिए। इसमें हमें जो है तो डिफरेंट इसमें शेड्स भी मिल जाते हैं ठीक है। ये अब हमारे पास रेड के शेड्स आ गए सारे ये ठीक है। हमने एक इस कलर को रख लिया ओके दैट्स इट। अच्छा अब हमने इसको थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के लिए आपने साथ में शिफ्ट को जरूर क्लिक करना है क्योंकि जब तक आप शिफ्ट को नहीं क्लिक करेंगे तब तक हमारा जो है तो इसका साइज हमसे खराब हो जाएगा ठीक है। तो साइज को हम सेम रखने के लिए हम शिफ्ट क्लिक कर देते हैं। अब हमें इसी की कॉपी चाहिए, हम इसको सबसे पहले कंट्रोल प्लस जी से ग्रुप कर देते हैं, इसको एक ही बना लेते हैं ठीक है। कॉपी चाहिए मैंने ऑल्ट को प्रेस किया और इस तरह हमने इसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी ले ली ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहती हूँ कि इसका जो है तो मेरे पास एक कंप्लीट ये एक डिफरेंट इसके एजेस मेरे पास शो हो जाए। एजेस शो करने के लिए मैं इसको क्लिक करूंगी, ऑब्जेक्ट में जाऊंगी, एक्सपेंड अपेयरेंस करूंगी तो हमारे पास इसके जो है तो ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे क्लियर हो गए ठीक है। अच्छा अब मैंने इसको पैटर्न में चेंज करना है, मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करूंगी, इसके एक और फोटोकॉपी लूंगी। अब इसका मैं स्ट्रोक जो है तो वो इसको एम्प्टी कर देती हूँ ठीक है। जो स्ट्रोक है हमारे पास वो मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ और इसके स्ट्रोक पे जाके मैं इसको डैश लाइन कर देती हूँ। जितना ही मैं इसको डैश करूंगी इतना ही ये इंक्रीज होगा, ये डैश लाइंस में जितनी ज्यादा इंक्रीज करूंगी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करती हूँ 7 दैट्स इट। ओके अब आप इसको देख सकते हैं करीब से, जब हम इसको देखते हैं तो आपको डैश लाइंस शो होगी ये देखें ठीक है। हम जब भी कोई पैटर्न बनाते हैं या हमें जब किसी को पैटर्न देना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए लाइक डैश लाइंस शो कर देते हैं, हम उनको ये शो करा देते हैं कि हमने इस तरीके से आपका डिजाइन बनाया ठीक है। हम इसको 1 कर देते हैं ताकि हमारे पास ब्यूटीफुल लाइंस शो हो।
दैट्स इट. अब हमारे पास ये कंप्लीट एक जो है तो एक शेप सी बन गई है हमारे पास. ओके okay? ठीक है, आपको समझ आई? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ राउंडिंग इसको रोटेट किया, सेकंड स्टेप में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, थर्ड स्टेप में हमने इसको डैश लाइन से शो कर दिया. ओके दैट्स इट. अब हमने क्या करना है, हम एक वेक्टर डिजाइन बनाते हैं. मैं देख लेती हूँ अगर मेरे पास कोई अवेलेबल हो तो. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? एक बार क्लियर कर दे, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके यस मैम. अच्छा, अब ये हमारे पास एक डिजाइन आ गया. हमने जो है तो आज इसको मॉडिफाई करना है, या हमने एग्जैक्ट इसी तरह का एक शेप बनाना है. ठीक है, हम क्या करेंगे अब, इस पे हम कोई किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होगा, ये हमसे इधर उधर मूव करेगा. तो हम जो भी डिजाइन बनाते हैं हम अपने आर्ट बोर्ड से साइड पे करते हैं क्योंकि हमारे ये ड्राफ्ट वर्क होता है. ओके, अब हमने क्या करना है, हमने इसको जो है तो यहीं पे फ्रीज करना है. तो फ्रीज करने के लिए ये बटन याद रखिए, आपने कंट्रोल प्लस टू पे क्लिक कर देना है. अनफ्रीज करने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट और टू पे क्लिक करेंगे तो ये अनफ्रीज हो जाएगा. ठीक है, फ्रीज करना है मुझे, मैं कंट्रोल प्लस टू करूंगी, ये फ्रीज. अब ये देखो कहीं पे भी हमसे हिलकर नहीं जा रहा. सेम हमने जो है तो पेन टूल यूज करना है. पेन टूल यूज करने के लिए हमने सिंपल जो तरीका हमने स्टार्ट किया था वैसे ही. अब आपने सारा देखना है कि पेन टूल कैसे यूज होता है. ठीक है, आपने फर्दर इसको फिर यूज करना है. मुझे टू पॉइंट्स के बाद जो है तो जब मुझे खत्म करना होता है तो मैं लाइक इस शेप को मुझे खत्म करना होता है, मैं एंटर पे क्लिक कर देती हूँ और ये खत्म हो जाता है. ठीक है, फिर मुझे एग्जैक्ट वही एंकर पॉइंट से स्टार्ट करना है और ये ऐसे. अब मुझे जितना भी हॉर्स बना हुआ है, जिस भी शेप में बना हुआ है, हम उसी शेप में हॉर्स को लेकर जाएंगे. लाइक दिस. सही बने आज मैंने नहीं खाई दोपहर बनाए. वो रोटी नहीं खाई थी जब तुम्हारा फोन आया, बस उसके बाद नहीं फिर खाया. आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को? यस मैम. Do respond me in the comment box. आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग है? ये जब आप बनाओगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. मैं अपने स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर देती हूँ. आपने जिस पॉइंट से छोड़ा होता है आपने एग्जैक्ट उसी पॉइंट से दोबारा स्टार्ट करना है. ठीक है, अगर आप उसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका डिजाइन बीच में ब्रेक हो जाएगा, जबकि हमने इसको ब्रेक होने नहीं देना.
ओके, ये हमारे हॉर्स का एरिया बन गया है. हम इतना एरिया आज बना लेते हैं क्योंकि टाइम आप लोग का काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा है. ओके, अब हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं. तो देखिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बन गया है हॉर्स का. हम चाहे तो अब हम इसको जो है तो अनफ्रीज करके इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं. अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया डैश लाइन का, वो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर शो करूंगी. ठीक है, कि आपने डैश लाइन को किस एंगल में यूज करना है. क्या फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले ली अपने पास, इसको मैं डैश लाइन में शो करूंगी. ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो ये देखिए, अब हमारे पास ये पूरा डायग्राम जो है तो डैश लाइन में शो हो रहा है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिजाइनर्स जब अपना डिजाइन पेश करते हैं तो क्या करते हैं कि उसको डैशेड लाइन में शो कर देते हैं. सामने वाले को लगता है कि इन्होंने लाइक इस डिजाइन इस डैश से जो है तो मिलके फिर उसको बनाया है. ठीक है, तो ये काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे हमारे डिजाइन का. ओके, अब हमने इसी को कलर करना है. हम कोई सा भी कलर इसमें कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कर देते हैं डबल क्लिक. काफी ज्यादा वेरिएंट्स आ जाते हैं हमारे पास. कोई डार्क कलर हम सेलेक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा हॉर्स लाइक हमारा वेक्टर भी बन गया. अब आपने अगर अपने डिजाइन को या अपने डायग्राम को मजीद थोड़ा सा प्यारा बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस ले आएंगे. वेरिएशंस लाने का मतलब है कि आप इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ड्रॉ कर लेंगे. फॉर एग्जांपल लाइक फ्रॉम द प्रीवियस हमने जो इसमें लिखा हुआ था कि हम इसको शेप रोटेशन का नाम देते हैं. शेप रोटेशन, ठीक है. इसी की कॉपी हम ले लेते हैं. एक्सपेंड अपियरेंस इसी की कॉपी हम दोबारा ले लेते हैं. पैटर्न सही. ओके, ओके दैट्स इट. नीचे हम लिख लेते हैं इसको, ये इसे कॉपी दे देते हैं. इसको हम हॉर्स वेक्टर कर देते हैं, हॉर्स पैटर्न कर देते हैं. लेआउट और इसको फाइनल वेक्टर. अच्छा जी, ये आप लोग हमने जो है तो आज दो चीजें सीखी है. एक हमने मैं इसको अनफ्रीज करके रिमूव कर देती हूँ. अच्छा, इसको अब मैं जो है तो बॉर्डर दे देती हूँ. अच्छा, तो कीर मुनीर आप ऐसा करें कि आप मार्केट में लेकर चले जाएं इसको. ठीक है, वहीं से आपको डाउनलोड करके दे देंगे अगर आपका अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं एनी क्वेश्चन.
देखिए हमने थोड़े से इसमें कलर्स चेंज किए हैं एंड नाउ वी हैव अनदर हमारे पास एक और पैटर्न बन के आई है ओके दैट्स इट एनी क्वेश्चन I have problem in my internet. Okay, that's it. आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही. आप लोगों ने इस ही असाइनमेंट को एग्जैक्ट सेम आपने भी बनाना है ठीक है और मुझे कल तक ये सबमिट कर देना है कल शाम तक. Okay, thank you so much for today. Allah Hafiz.